गढ़वा में एक जनाजे को अपनों ने जख्म दिया है और गैरों ने उस जख्म पर मरहम लगाया है। क्या है गढ़वा का इस पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म के ठेकेदारों ने शर्मसार की इंसानियत, मौत के बाद छीन लिया कफन। जनाजे में शामिल नहीं हुए धर्म के ठेकेदार, अपनों ने नकारा तो गैरों ने किया दफन। करीमन मियां ने कभी नहीं सोचा था कि उसे मौत के बाद उसके अपने कहने वाले 2 गज जमीन देना तो दूर उसका कफन भी छीन लेंगे। ये वाकया गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के मकरी गांव का है, जहां करीम अंसारी को धर्म के ठेकेदारों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। यहां तक कि उसके जनाजे में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं हुआ। इनकी नजर में करीमन का गुनाह मात्र ये था कि जीवित रहते वे मंदिरों में जाया करता था। इसे समाज के कुछ लोगों ने इस्लाम विरोधी करार दिया। वहाँ सामने तक नहीं आया, वहाँ पर हम लोग गए कब्रिस्तान पर, कब्र खन दिए। वहाँ जाने के बाद कब्र खनने के बाद वहाँ आलिम लोग भरवा दिए, कहा जे मसले मसाल में आइए तब जा कुछ होगा। तो मसला में हुआ जो ओझाई करते हैं, ये शराब पीते हैं, इनको जनाजा के नमाज नहीं होगा। ये मुसलमान है, बाकी ये जात से इसको हम लोग छांट दिए। रिश्तेदारों ने कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर काफी मिन्नत की, लेकिन धर्म के ठेकेदारों का एक ही तर्क रहा। ऐसे में अपने समाज के कुछ लोग द्वारा ठुकराए जाने के बाद जब दूसरे लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वे आगे आए। हिंदू समाज के लोगों ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मृतक के घर के बगल वाले खेत में कब्र बनाकर शव दफन किया। जो है अनऑथराइज लोगों ने, जो अधिकृत नहीं थे, उन लोगों ने मतलब कह दिया उनकी बातों पर भी ये किया। अगर उस वक्त वही प्रशासन को कहते या किसी को कहते, हम लोगों तक भी बात पहुंचती, तो इस तरह की नौबत नहीं आती। धर्मगुरु का चोला पहनकर समाज के ठेकेदारों की यह घृणित करतूत माफी लायक नहीं है। करीमन का कर्म से धर्म को जोड़कर कफन छीन लेना धर्म के नाम पर अधर्म है। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।